pick on. इतनी देर कहाँ से हो गई? मैं मीटिंग में गई थी तो लंबी मीटिंग गई तो आज देर हुई गई मका। यहाँ तो भूख लगी, रोटी पानी हाल बनी नहीं रही। अभी देर नहीं रोटी पानी बनाई थी। चलो लगाओ थाले लगाओ। क्या बनाया? क्या बनाया? रोटी बनाई ना तोर की दाल। तोर की दाल। मीटिंग में गए गए क्या क्या वो समूह के बारे में बताया टीवी में हमको कैसे बताई थी तो खेती का बारे में से थे अपन पौधा आंवला में लगाऊंगे आम लगावांगे ना ये लगाऊंगे तो एक अपना अभी तो अच्छे से अपना काम कर लिया बुढ़ापा में अपना से काम नहीं होएगा तो अपन को अच्छो फायदो मिलेगा एक बारे में जानकारी बताई तो अच्छो अपना उपयोग भी मिलेगा को अच्छो फायदो रहेगा जाम का फल लगेगा तो अपन दे दिया कार का तो अच्छी जाम पैसे टपवाई देगा अपना काम तो हो ही नहीं पूरा काम पानी की समस्या छे पानी की व्यवस्था नहीं रहेगा तो वो टंकी देगा पावड़ा पौधा भी उनका एकासी देगा सब वहाँ से आगे से आओगे अपन नकद जाम न को होशियार करनू छे बस अपना नगद गड्ढा करने का पैसा भी देगा अपनी मजदूरी भी देगा तो अपन के तो फायदो छे खराब शंका हो तो वहाँ सर लोग आये छे राजकोर जी का वहाँ उम्र में जहाँ पूछी आओ जो तम तो वो सब बताई देगा तम का सर लोग आये छे जाए ना कहाँ पूछी आऊँगा राजकोर जी हाँ जाए रोज राजकोर भाभी का घर पूछी ना आई रही राम 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 बैठो कहीं आया हम आशा जाए कि तुमने बगीचो लिए छे हां हां भाई दो मैं तो यो के ने दो यो ने 2000 में लियो 26000 रुपया बण्या 26000 आज मैं लाड़ी गई थी समूह की मीटिंग में बताया कि जाम लगायो लगाऊनो छे आम लगाऊनो छे तो मारी तो कई समझ में नहीं आ रही थी कसो काय का लगाऊनो काय छे का ये सर बता दें सर से जानकारी लियो ने सर बताओ जानकारी हमको तो हमारा क्या है कि एक परियोजना यहाँ पे चालू हुई है जिसको मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और बायफ संस्था के माध्यम से यहाँ पे हमें काम करने का मौका मिला है जिसमें अपने समूह वाले लोगों को ही एक एकड़ में 50 पौधे लगाने का एक किसान को है जिसमें 30 पौधे आम के और 20 जाम फल के तो आपने अच्छो बतायो कि जाम लगाओ आम लगाओ पर हम खेती कैसा करांगे फिर वो बड़ा बड़ा हो जाएगा हाँ भैया तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इसमें क्या है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है इसमें अपने को आम को 10 मीटर पे लगाना है तो बीच में अपनी फसल भी लगा सकते हो खेती भी कर सकते हो इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है और उसके बाद क्या है पौधे बड़े हो जाएंगे तो वो ऑलरेडी अपने को फसल देने लग जाएंगे और उसके बीच में अगर जमीन अपने नीचे खाली है तो उसमें प्याज की है या हल्दी अदरक की खेती भी कर सकते हो तुम उसमें वो नर्सरी नहीं देखी तुमने हाँ देखी इतने दूर दूर पौधे है बीच में खेती आराम से हो जाएगी साहब अच्छी बात बताए पर बाद में कोई वसूली तो नहीं करोगे अरे उसकी तुम बेफिक्र टेंशन छोड़ दो क्या है कि मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के अंतर्गत हमें ये प्रोजेक्ट मिला है इसमें तुम्हारा कोई वसूली नहीं होगी तुम्हें तो क्या है कि पति पत्नी की एक सहमति पत्र लगेगा और अपने जो जिस खेत में बगीचा लगा रहे हो उसका अपने को खसरा नकल की एक कॉपी हमें देना पड़ेगी रिकॉर्ड के लिए उसके बाद क्या है तुम जैसे ही गड्ढा चालू करोगे खोदने के लिए तो गड्ढे में क्या है जैसे गेती पावड़े तगारी सब्बल ये तुम्हें मुफ्त में उपलब्ध किया जाएगा उसके बाद उस जितने गड्ढे 50 गड्ढे पूरे हो जाएंगे तो उसको आपको मजदूरी भी मिल दी जाए और उसके बाद हम पौधे ला के भी आपको यहीं घर बैठे देंगे योजना तो बहुत अच्छी बात है पर गर्मी में फिर पानी की समस्या रहेगा ढोर भी छुट्टा छोड़ेगा लोग
अपन कम पानी में भी अपन पौधा बगीचा पाल सकते हैं। उसके लिए अपने क्या करेंगे कि एक पौधे के नीचे एक मटका देंगे 3 लीटर वाला, उसको अपन भर के रख देंगे तो वो गर्मी में 8 दिन तक चलता है। और एक टंकी भी अपन 200 लीटर वाली उपलब्ध करवा देंगे, तो वो भर के रखो और 8 दिन तक तुम्हारा पानी कम पानी में भी अपन बगीचा पाल सकते हैं। तुम्हारा बागुड़ के लिए जो अगर है ना समस्या आ रही बागुड़ के लिए, उसके लिए भी एक क्या योजना में ऐसा प्रावधान है कि कुछ पैसे में अपन तुम कर सकते हो कुछ मदद, ऐसे दोनों मिलके अपन कर सकते हो, उसका भी एक प्रावधान है। साहब ये कितना साल में फल देना लगी जाएगा? तुम्हारा बगीचा 3 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल में फसल देने लग जाएगा। और उसके बीच में उस समय अपन क्या आएगा अंतर्वर्ती फसल जो तुम लगाते हैं तो उसका भी हम हाइब्रिड बीज है ये भी उपलब्ध करवाएंगे। एक बार तुम बगीचा लगा लो उसके बाद तो क्या है धीरे धीरे ये परियोजना तुम्हारे पास सभी लागू हो जाएगी। लगा लो ना, मेरे पास तो 1 एकड़ भी जमीन होती मैं तो आराम से लगा लेता, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब आज 3 साल में पौधा तैयार हो रहा, बीच में फसल बोने के लिए सब कुछ दे रहा है, बीज बात दे रहा है क्या, तो तुम लगा लोगे तो ये आज 3 साल में तो आज जीवन मतलब जिंदगी भर नो टेंशन, बुढ़ापे का सारा बन जाएगा। हाँ साहब अच्छी योजना बताई, कल हमारी लाड़ी से पूछूंगा और एक काई लगेगा मौका। तुम्हें क्या है बगीचा लगाने के लिए अपने पति पत्नी दोनों की सहमति होना चाहिए, उसका एक फार्म नाम लाएंगे उस पे दोनों को साइन लगेंगे और उसके बाद एक पटवारी से जिस खेत में अपन बगीचा लगा रहे उसकी एक खसरा नकल की हमें काफी रिकॉर्ड के लिए रखना रहेगी। तो ये अब तुम हमें कब ला के दे दोगे? हफ्ता दो हफ्ता लगेगा। 2 हफ्ता लगेंगे? ठीक है, 2 हफ्ता बाद तुम हमें ला के दे देना। उसके बाद हम तुम्हारे जिस खेत में बगीचा लगाना है वहां जाएंगे और वहां पे हम क्या एक लेआउट दे देंगे, तो उसमें जहाँ जहाँ अपना निशान है वहाँ गड्ढा खोदने के लिए तुम्हें बता देंगे। जब तुम ये ला के रिकॉर्ड हमें दे दोगे तुम गड्ढा खोदना चालू कर देना।